अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई डू होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड फाइन। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ वो है ये हिमानी का 5-in-1 कोकोनट हेयर ऑयल। एक्चुअली ये बिल्कुल एम्प्टी बॉटल है, इसको मैं डिस्कार्ड करने से पहले मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना पर्सनल रिव्यू जो है ना आपके साथ शेयर कर दूँ इस ऑयल का। तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे कहने पर एक बार आप लोग इस ऑयल को यूज़ करें, ये बेहतरीन ऑयल है। इसके रिजल्ट्स इतने अमेजिंग हैं, इतने अमेजिंग है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। क्योंकि मेरे बाल जो है ना बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा रफ़ एंड ड्राई हो गए थे, डैमेज हेयर हो गए थे। इसके साथ साथ जो है ना, यानी अगर वो टैंगल हेयर हो जाए तो वो फिर अनटैंगल करने में उसे बहुत ज़्यादा देर लगती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये अगर आप, ये तमाम प्रॉब्लम आपके बालों की भी है और आपको फेस करना पड़ता है ये तमाम चीज़ें, तो मेरे कहने पे एक बार इसे यूज़ करें। ये 5-in-1 ऑयल है, 100% नेचुरल जो है ना इंग्रेडिएंट, यानी कि 100% नेचुरल कोकोनट, आर्गन, आंवला एंड आलमंड ऑयल, विटामिन ई ऑयल से बना हुआ है। और ये तमाम ऑयल्स जो है हमारी जो है ना हेयर हेल्थ हो गई, स्किन हेल्थ हो गई, यानी ये तमाम जो ऑयल्स हैं ये वो ऑयल्स हैं जो कि हमारे जो है ना हेयर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होते हैं। और ये मैंने यूज़ किया है, इसको डिस्कार्ड कर रही हूँ। अगर कोई पूछे कि मैं इसे दोबारा यूज़ करूँगी तो मैं इसे बार बार, इनफैक्ट इसको यूज़ करने के बाद, इसको लेने के बाद मैं बार बार ये ऑयल यूज़ करूँगी और सिर्फ इसी ऑयल पे मैं स्टिक करूँगी अंटिल अनलेस मुझे इससे भी कोई अच्छा ऑयल नहीं मिलता। मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं लेकिन मैं फ़ाइनल कंक्लूजन पे पहुंची हूँ। अब तक मुझे ये हिमानी का जो 5-in-1 कोकोनट हेयर ऑयल है ना, आप इसे मेरे कहने पे एक बार ज़रूर यूज़ करें। अगर आपके कलर्ड हेयर है, डैमेज हेयर है, रफ़ हेयर है, टैंगल्ड हेयर हैं, शाइन ख़त्म हो गई, लाइफलेस हेयर हैं, तो आप इसे यूज़ करें। ये इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि आपके बालों को एक लाइफ प्रोवाइड करता है, लाइवली लुक देता है और बहुत अच्छा है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है लेकिन ये वाकई तारीफ़ के काबिल है। मैं इसे डिस्कार्ड करना रही थी, देखें बिल्कुल एम्प्टी बॉटल है, इसकी हालत भी देख लें, लेकिन ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, वरना मैं अंदर से इसका टेक्स्चर भी दिखाती। लाइट वेट है, ग्रीन कलर का ये होता है। बहुत सारे ऑयल होते हैं ना चिपचिपे और बहुत सारे ऑयल्स का मिक्सचर बना के जो चिपचिपा होता है, ग्रीसी फील करता है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आप इसे यूज़ करें, बहुत अच्छा, बहुत लाइट वेट है, खुशबू भी इसकी काफ़ी रिफ्रेशिंग है और मुझे तो बहुत पसंद आया, तो मैं इसको दोबारा लेने जा रही हूँ। और मैंने सोचा इसे डिस्कार्ड करने से पहले आपको ये दिखा दूँ और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर लूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों ने ये यूज़ किया तो आप लोग ज़रूर मुझे कॉमेंट्स में बताएँ कि आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।